आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीजी फॉर टेक में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 11 के इंस्टॉलेशन के दौरान आने वाले एरर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन भी दिखा रहा हूँ, जब आप विंडोज 11 को जब आप बूट करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको ये दो एरर देखने को मिलेगा कि TPM 2.0 का सपोर्ट आपका पीसी नहीं है और सिक्योर बूट नहीं है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैसेज है, मैंने इसे मिनिमाइज किया। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये जो वेबसाइट है इसको मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपको ये वेबसाइट मिलेगा। इस पे यहाँ पर दिख रहा है एरर फिक्स TPM का। अब आप यहाँ पर डाउनलोड सिंबल जो है इससे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत छोटा सा फाइल है, देखिए मैंने डाउनलोड करके रखा है। स्क्रीन में मैं इसकी प्रॉपर्टी भी आपको शो कर देता हूँ। काफी छोटा सा फाइल है, देखिए प्रॉपर्टी पे मैं गया हूँ, देखिए 22 KB बस इसका फाइल है। अब आपको क्या करना है, आप जो भी zip फाइल यूज करते हैं सॉफ्टवेयर उससे इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप सिंपली यहां जैसे 7-zip से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा इसके अंदर आपको एक ही फाइल मिलेगा ये वाला, और एक जो ये जो फाइल है ये बेसिकली आपका गाइडलाइन फाइल है। तो ये जो फाइल है आपको इसको यहां से राइट क्लिक करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसे कट कर दीजिए और जो आपका ये जो एरर मैसेज आया था विंडोज 11 का, इसे क्लोज कीजिए, क्योंकि ये रन रहेगा तो आप फाइल रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे ही ये कट होता है थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन नेट कनेक्टेड रहता है इस वजह से। अब मैं आपको इसका अगला स्टेप बता देता हूँ। हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं ताकि ये प्रोसेस, देखिए ये कट हो गया। अब मैं जैसे माई कंप्यूटर पे जाके, ये मेरा पेन ड्राइव है जिसे मैंने बुटेबल बना दिया है, और बुटेबल कैसे बनाना है इसका भी लिंक मैं आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा। मैंने डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना के रखा है, हाउ टू क्रिएट ए बुटेबल पेन ड्राइव फ्रॉम ISO फाइल ऑफ विंडोज 10 8.17 एक्सेट्रा। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, हिंदी पे है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर डाउट आता है तो मैं सभी सोशल प्लेटफॉर्म, जैसे कि ये मेरा सोशल प्लेटफॉर्म की लिंक्स है, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, रेडिट, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टम्बलर, अमेजोन, आप मुझसे कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इवन कमेंट सेक्शन पे भी मैं जवाब दे दूंगा। तो अब आपने बुटेबल बनाया है, बुटेबल बनाने के बाद ये जो बुटेबल पीडी मैंने ओपन करके दिखाया है इसमें आपको सोर्स के अंदर जाना है। ये जो सोर्स वाला फोल्डर दिख रहा है इसके अंदर जाना है। बहुत सारे फोल्डर्स हैं और जो मैंने एरर फिक्स वाला फाइल आपको डाउनलोड करवाया है उसे यहां पर स्क्रीन पे लाके पेस्ट कीजिए। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपको एक मैसेज आएगा कि ये फाइल पहले से है, इसे रिप्लेस कीजिए। रिप्लेस करने के बाद, ये रिप्लेस हो गया, आप सब चीज को कट कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहां पर ये बुटेबल पेन ड्राइव है। यहां पर जैसे मैं जा रहा हूं इसके बाद मैंने सेटअप क्लिक किया है। जैसे ही सेटअप क्लिक करूंगा मैं उसके बाद ये विंडोज 11 का प्रोसेस ही स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्रिपेयरिंग 28%, 38%, ये डिपेंड करेगा आपका हार्डवेयर कितना एडवांस है, उस हिसाब से आपको ये परफॉर्मेंस स्पीड देगा। मेरे कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो बहुत ही कमजोर है। देखिए मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि मेरे कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है। इस कमजोर हार्डवेयर में भी मैं विंडोज 11 का टेस्टिंग आपको करके दिखा रहा हूं और एरर कैसे सॉल्व करना है ये भी मैंने बता दिया है। तो इसलिए आप ध्यान में देखिए, देखिए 4GB DDR3 है, पेंटियम B950 यानी कि सेकंड जनरेशन का पेंटियम प्रोसेसर है, इंटेल का HD ग्राफिक है और बस विंडोज 10 प्रो एडिशन है जो मैंने लेटेस्ट वाला लोड किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है ताकि आपको अच्छे से गाइडलाइन में दे सकूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये रहा इंस्टॉल विंडोज 11। इसके बाद आपको यहां पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए चेकिंग फॉर अपडेट आ रहा है। अब आपको ये जो एरर आ रहा था वो एरर सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा कुछ 10-20 सेकंड वेट करते हैं। इस देखिए ये चेकिंग योर प्रोसेस पे आ चुका है। अब फाइल रिप्लेस करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हैं, देखिए वी आर गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, इट मीन्स ये प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं, देखिए एप्लीकेशन नोटिफिकेशन लाइसेंस एक्सेप्ट वाला फीचर आ चुका है, कोई एरर मैसेज नहीं आया है। एकदम आसान प्रोसेस था,
इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरा जो YouTube चैनल है डीजी फॉलटेक, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें। मेरा और भी चैनल है जिसका नाम है वी टेक्नोलॉजी, आप इसे भी सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें। मेरा तीसरा चैनल है ये, इसे भी आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बुटेबल बनाने के लिए मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने विंडोज 11 यहाँ डाउनलोड करके रखा है डेस्कटॉप पे। मैं आपको टोरेंट पे भी शो कर देता हूँ। तो ये विंडोज 11 जो है मैंने डाउनलोड किया, ये 4.54 GB का इसका साइज है जिसे मैंने डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से कुछ बेसिक से थंबनेल्स मिलेंगे, विंडो रूफूस का भी सेटअप फाइल आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, और ये आईएसओ फाइल आपको मिल जाएगा। आईएसओ फाइल जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, इसको आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे जाना है, और ये यहाँ पर जो अनलॉक करना है और रीड ओनली रहेगा, इसे अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर देना है। इससे आपको कॉपी पेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। तो अगेन अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, और जो भी आपको डाउट होगा उसको आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जवाब दूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को, अगेन रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप चाहें तो उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी मैं डेली बेसिस पे अपडेट करता हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें भी आपको वीडियोस के लिंक और चैट वगैरह आप सब चीज कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको वीडियो देते रहूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।